हाय दोस्तों, मैं GHP के आज आपके लिए लाया हूँ एक नया फ़ोन, एक नई छोटी सी रिव्यू। मैं जानबूझ के ये रिव्यू हिंदी में कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम लोग इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हैं और ज़्यादातर रिव्यू देखने को मिलती हैं तो वो इंग्लिश में होती हैं। तो दोस्तों, ये रिव्यू उन्हीं दोस्तों के लिए है जो यूट्यूब का मज़ा लेना चाहते हैं, नए फ़ोन के बारे में जानकारी चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हिंदी का रिव्यू मिले। लेकिन ज़्यादातर जो भी अपने यूट्यूब वाले दोस्त हैं वो इंग्लिश रिव्यू को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं इस समय। खैर, उन सब बातों को छोड़ के हम देखते हैं स्नैपडील की तरफ से और माइक्रोमैक्स की तरफ से ये नई पेशकश। स्नैपडील ने इसको मुझे डिलीवर किया है बहुत ही बढ़िया एक दिन के टाइम में। और हालांकि ये फ़ोन सिर्फ आपको मिलेगा स्नैपडील पे। इस फ़ोन का नाम है माइक्रोमैक्स कैनवस पार्क। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ ये फ़ोन है। तो माइक्रोमैक्स कैनवस स्पार्क नाम से ये फ़ोन लॉन्च किया गया है 5,000 रुपये में। मेरा नहीं ख्याल है आज की डेट में इससे अच्छा फ़ोन आपको मिल सकता है। फ़ोन एक सिंपल से बॉक्स में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बॉक्स खोलना तो शायद सभी को आता है, इसके बारे में क्या दिखाया जाए आपको। आप बॉक्स को खोलें, फ़ोन आपको मिलेगा इसके अंदर। अंदर आपको एक USB केबल, एक थोड़ा बेटर क्वालिटी का हेडफोन विद माइक, एक चार्जर, एक स्क्रीन गार्ड और एक मैनुअल। ये सारे तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको हर फ़ोन के ही साथ आजकल मिलती हैं। सबसे बड़ी खासियत इस फ़ोन की कि देखने में बहुत स्लिम, बहुत बढ़िया, पकड़ने में बहुत ही अच्छा। पीछे की सरफेस बिल्कुल भी फिसलने वाली नहीं है, फ़ोन आपके हाथ से जल्दी नहीं छूटेगा। और इसमें जो बैक कवर दिया गया है उसमें यहाँ पे छोटा सा एक नॉच है। बैक कवर खोलने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, 4.7 इंच का स्क्रीन, 4.7 इंच का स्क्रीन, बहुत बेहतरीन डिस्प्ले, सामने एक फ्रंट कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ईयरफोन, माइक, बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल विद फ्लैश, माइक्रोमैक्स का लोगो, साइड में वॉल्यूम रॉकर की, उसके नीचे पावर का बटन। अब आइए अंदर चलते हैं इसके, या किसी टूल को यूज़ करके आप इसका बैक कवर एक साइड से खोलते चले जाएं। इसको खोलने का यही बेहतर तरीका है ताकि इस प्लास्टिक के केस को आप ना तोड़ें, क्योंकि ये फ़ोन अभी बड़ा एक्सक्लूसिव है, इसलिए आपको इसके बहुत सारे बैक कवर्स अभी अवेलेबल नहीं है वेब पे। दो सिम, दोनों फुल साइज सिम, एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, 8 मेगापिक्सल का कैमरा, एक LED फ्लैश। और एक और इस फ़ोन की खासियत है कि इसकी जो बैटरी है वो सील्ड है, आप इसकी बैटरी को नहीं खोल सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें आप इसकी बैटरी को स्वयं नहीं निकाल पाएंगे। और इस नॉन रिमूवेबल बैटरी का एक और फ़ायदा है कि यदि आपका फ़ोन मिसप्लेस हो जाता है या आपका फ़ोन खो जाता है तो जिस किसी के हाथ में ये फ़ोन आएगा वो उसको ऑफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें पावर बटन लॉक करने का ऑप्शन होता है। तो पावर बटन से अगर आपने अपना पावर मेन्यू लॉक रखा है तो ये फ़ोन काफ़ी देर तक ऑन ही रहेगा, क्योंकि बैटरी निकल नहीं सकती। इसलिए कोई भी इस फ़ोन को जल्दी ऑफ़ करके और आपका फ़ोन लेके भाग नहीं पाएगा या छुपा नहीं पाएगा। ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे। फ़ोन चालू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं एक बार फिर से बता दूं। 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि मेन CPU है इसमें। 21 Mbps तक का 3G पे डाउनलोड स्पीड सपोर्ट है। 5.76 Mbps का अपलोड स्पीड सपोर्टेड है जो कि बहुत अच्छा है। 11.93 सेंटीमीटर यानी कि 4.7 इंचेस का स्क्रीन है जो कि आपको 960x540 पिक्सल्स का डिस्प्ले देता है। और सबसे बड़ी खासियत है इसकी ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो कि स्क्रैच प्रूफ है, आप इस पर कितना भी रगड़ें इस पर कोई स्क्रैच नहीं आने वाला है। और ये इसमें फ़ोन में आपको एंड्रॉयड का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो कि एंड्रॉयड 5 लॉलीपॉप है वो फैक्ट्री से इंस्टॉल होकर मिलता है। GPS इसमें सपोर्टेड है, 2000 mAh की बैटरी सपोर्टेड है, HD वीडियो और HD वीडियोस को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसमें HD मूवीज़ भी देख सकते हैं। और वैसे तो इसके बॉक्स पे इसका दाम 7,249 रुपये दर्शाया गया है, लेकिन स्नैपडील की तरफ से और माइक्रोमैक्स की तरफ से
इसका लॉन्चिंग प्राइस 4,999 रुपये रखा गया, जो कि एक बहुत ही उम्दा प्राइसिंग है। तकनीकी मॉडल नंबर Q380 के नाम से भी ये फ़ोन जाना जा रहा है, हालांकि ज़्यादातर लोग इसको कैनवस पार्क के नाम से अभी जानना शुरू कर चुके हैं। माइक्रोमैक्स का लोगो ऑन करते ही, पावर्ड बाय एंड्रॉयड, क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB की रैम, कैनवस का लोगो और बूटिंग स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं नहीं कहूँगा कि फ़ोन किसी भी तरह से स्लो है, फ़ोन बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। ये फ़ोन चंद घंटों पहले ही मुझे प्राप्त हुआ है। एंड्रॉयड लॉलीपॉप का ये लॉक स्क्रीन, स्क्रीन को अनलॉक करते ही आप इसमें गूगल के फोल्डर में गूगल वाली एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं। ज़्यादातर चीज़ें इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए अगर आप अपना फ़ोन लेते ही यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस फ़ोन को लेने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके और सारी बेसिक चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको। क्विकर एप्लीकेशन, ये एक नया इन्होंने एडिशन किया है माइक्रोमैक्स ने, और एप्लीकेशन ड्रॉअर में आप जाते हैं तो आप देखते हैं इसमें काफ़ी कुछ एप्लीकेशन माइक्रोमैक्स की तरफ से दिया गया है। चैट सॉफ्टवेयर दिया गया है, हालांकि हर आदमी आज की डेट में व्हाट्सएप के पीछे भागता है, तो वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पेटीएम मोबाइल और DTH रिचार्ज के लिए आजकल बड़ा पॉपुलर है, वो भी इसमें इंस्टॉल मिलेगा। स्नैपडील की एप्लीकेशन, सावन जो कि MP3 सुनने के लिए अवेलेबल है, न्यूज़ हंट, ये भी आजकल न्यूज़ के लिए बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन बनता जा रहा है। इसी तरह डॉक्टर सेफ्टी, डॉक्टर सेफ्टी एक ऐसा फीचर है जिसमें अगर आप इसको ठीक से कन्फिगर करें तो आप अपना फ़ोन खोने के बाद भी काफ़ी हद तक उसको खुद लोकेट कर सकते हैं, और फिर पुलिस की मदद से आप उस फ़ोन तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। मैंने देखा है डॉक्टर सेफ्टी को कई लोगों के फ़ोन वापस दिलाते हुए, ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है। फ़ोन के डायलर में अब जाते हैं, देखते हैं स्टॉक एंड्रॉयड लॉलीपॉप वाला डायलर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ। इसका जो टच का फीलिंग है वो इतना अच्छा है कि मैं आपको बस ज़बान से क्या तारीफ़ करूँ इसकी। ये फ़ोन सच में लेने लायक दिख रहा है मुझे फ़िलहाल पहली नज़र में। फ़ोन के सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा वाइट कलर की बैकग्राउंड पे ये एंड्रॉयड लॉलीपॉप का स्टॉक जो मेन्यू है वो है। अबाउट फ़ोन में आप जाते हैं, माइक्रोमैक्स Q380 एंड्रॉयड वर्जन 5। एंड्रॉयड वर्जन 5 पे जब आप मल्टीपल बार क्लिक करते हैं तो ये लॉलीपॉप का सिंबल बन के आएगा, और उसको देर तक छूने पे ये लॉलीपॉप का गेम जो गूगल हमेशा अपने फ़ोन के साथ कोई ना कोई चीज़ इस तरह की देता है वो आप देख सकते हैं। ये कि ये टच टू जंप एंड्रॉयड रोबो बनाया है इन्होंने, जिसको आपको इन लॉलीपॉप के बीच में से निकालना है। जिन लोगों की दिलचस्पी डेवलपर ऑप्शंस में है वो बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे, यू आर नाउ अ डेवलपर, पीछे आने पे आपको यहाँ डेवलपर्स ऑप्शन मिल जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेंगे, आप USB डिबगिंग इनेबल कर दें ताकि आगे चल के आपको अगर रूट करना हो इस फ़ोन को तो आसानी रहे। मॉक लोकेशंस इनेबल कर दें आप, उससे आपका थोड़ा सा शायद डेटा बचेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये अपने आप लोकेशन दे देगा जो कि आपके GPS टाइम को कम करेगा। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन के, उसमें डाउनलोडेड एप्लीकेशंस हैं जिनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसमें आपको दिखेगा, अनइंस्टॉल कर देंगे जो एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए। आस्क मी, चैट्स, हॉटस्टार, मार्बल, इस तरह की एप्लीकेशंस कई हैं जो आप अपने आप इसमें से रिमूव या डिसेबल कर सकते हैं। जो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं रैम के लिए और जिनको हैवी गेमिंग करनी है इस पे, वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस को डिसेबल करके ही रखते हैं। रनिंग एप्लीकेशंस में आते हैं तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन दूसरी बार अभी बूट किया है मैंने आज की डेट में, ये 4 से 5 घंटे पहले ही डिलीवर हुआ है, और 557 MB रैम इसमें अवेलेबल है, मतलब कि 1 GB रैम इंस्टॉल्ड है, जिसमें से 550 MB से थोड़ी सी ज़्यादा रैम अवेलेबल है। ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा फ़ोन जो होगा वो हमेशा पूरी रैम नहीं यूज़ करके रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने 271 MB की रैम यूज़ कर रखी है, ऐप्स ने 135 MB की रैम यूज़ किया है। जैसे जैसे आप इसमें से एक्टिव ऐप्स को कम कर देंगे आपकी अवेलेबल रैम और बढ़ जाएगी। स्टोरेज की बात करें तो ये फ़ोन 8 GB के इंटरनल मेमोरी के साथ आता है, जिसमें से आपको 4.94 लगभग 5 GB के करीब स्पेस
इसमें आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी स्पेस एप्लीकेशंस जो इसमें पहले से डली हुई हैं वो यूज़ कर रही हैं, एंड्रॉयड का जो सिस्टम है वो कुछ यूज़ कर रहा है। अभी मैंने इसमें एसडी कार्ड और सिम कार्ड नहीं इंस्टॉल किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे वार्निंग दिखाई दे रही है। लॉलीपॉप जो है वो एंड्रॉयड का बहुत ही रिफाइंड वर्जन है, और बीते समय में जो जो दिक्कतें लोगों ने फेस करी हैं ज़्यादातर वो चीज़ें सॉल्व कर ली गई हैं। लॉलीपॉप माना जा रहा है कि एंड्रॉयड का पुनर्जन्म कह लीजिए आप, जिसमें आपको सुविधाएं बढ़ गई हैं, रैम का कंजम्पशन और फ़ोन की स्मूथनेस सब कुछ और बेहतर हो गया है। डिस्प्ले सेटिंग में देखते हैं तो एक ये ऑप्शन नया है जिनके पास गूगल क्रोम कास्ट या जिनके टीवी में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन होगा वो कास्ट स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी डिवाइस चूज़ कर सकते हैं, और उसका एडवांटेज ये होगा कि जो भी आप फ़ोन पे ऑपरेट कर रहे हैं वो आप अपने टीवी पे या बड़े स्क्रीन के टीवी पे देख सकते हैं बड़े आराम से। गेम वेम खेलने के लिए काफ़ी अच्छी ये तकनीक है, क्रोम कास्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस तो आप लोग इस सब से काफ़ी कुछ ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा इसमें। और अब बात करते हैं इस फ़ोन की सबसे बड़ी चीज़ जो ज़्यादातर लोग ख़रीदने से पहले देखते हैं। आजकल एक फैशन सा चल गया है कि लोग बेंचमार्क स्कोर्स देखना पसंद करते हैं कोई भी नया फ़ोन जो लॉन्च होता है, तो मैं आपको इस पे एंटूटू और निनामार्क का स्कोर भी दिखा देता हूँ। और मेरी समझ से दोस्तों जिनका भी बजट 5000 या उसके आसपास का है उनको ये फ़ोन को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि माइक्रोमैक्स काफ़ी ज़्यादा अपने देश में पॉपुलर हो चला है, और सर्विस सेंटर की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आज की डेट में ज़्यादातर शहरों में बड़ी आसानी से आपको उसका सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा। तो इस फ़ोन में आपको अगर यदि सर्विस की ज़रूरत पड़ी तो उसकी भी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 5000 रुपये में गोरिल्ला ग्लास के साथ शायद ही कोई और फ़ोन जो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो इस समय मार्केट में हो। मेरी नज़र में तो मैं ये समझता हूँ माइक्रोमैक्स यूनाइट 2 जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा था दाम में, उसमें भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं था, उसमें भी लॉलीपॉप अब जाके आया है। इसका कैमरा भी माइक्रोमैक्स ने और बेहतर करने की कोशिश की है, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों ही इम्प्रूव किया है, लेकिन फिर भी 5000 रुपये के बजट में ये फ़ोन आपको बहुत कुछ दे रहा है। आप उस चीज़ों को भी देखें जो आपको मिला है इस फ़ोन के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट वेट है इसका, इसको आप बिल्कुल बल्कि फ़ोन नहीं कहेंगे, और बड़ी आसानी से लड़के लड़कियों सब में ये फ़ोन मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। सबसे पहले इस फ़ोन की कार्यकुशलता चेक करने के लिए मैं एंटूटू बेंचमार्क 5.7 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। एंटूटू बेंचमार्क इस समय चल रहा है और ये फ़ोन की क्षमताओं को चेक कर रहा है। मैं इसका स्कोर आपको दिखाऊंगा। स्कोर जो है जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपकी डिवाइस को माना जाता है। एंटूटू बेंचमार्क इसके स्क्रीन और बाकी चीज़ों को चेक करता हुआ, 3D स्कोर और 3D क्षमताएँ चेक करता हुआ इस समय। इस फ़ोन की 3D क्षमताएँ जो कि माली बेस्ड प्रोसेसर से लैस है उसको चेक करता हुआ, माइक्रोमैक्स की तरफ से बहुत ही बजट में इतना बढ़िया फ़ोन दिया गया है, और देखा जा रहा है कि एक तरह से इस समय फ़ोन की जंग सी छिड़ गई है जिसमें एक से एक नए फ़ोन रोज़ आ रहे हैं। 17924 इसका स्कोर आया है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को तब कंसिडर करें जब आप इसके दाम को पहले सबसे पहले देखें। 5000 रुपये में इतनी सारी खूबियों के साथ ये फ़ोन आया है, और हालांकि MI 2, रेडमी नोट, HTC 1 ये सारे फ़ोन इसकी क्षमताओं से कहीं ऊपर हैं, लेकिन अब आप आइए अगर दाम की बातों में तो शाओमी का जो रेडमी नोट है वो 10000 रुपये का फ़ोन है और ये 5000 रुपये का फ़ोन है। शाओमी MI 2 जो इसमें लिखा है वो अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है, वो भी इससे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, मेरे ख्याल से वो भी 10000 के आसपास है। MI 3 काफ़ी ज़्यादा स्कोर उसका इसके ऊपर है, लेकिन वो 14000 रुपये के करीब का फ़ोन है। तो आप ये सारी चीज़ें देखें तो 17924 जो इसमें स्कोर आया है वो मेरे हिसाब से बहुत ही बजट फ्रेंडली डिवाइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर है ये, और डे टू डे यूज़ के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन मुझे लग रहा है।
आप देख सकते हैं 17924 का एंटूटू स्कोर आया है। एंटूटू जो है एक बहुत ही रिलायबल सॉफ्टवेयर माना जाता है फ़ोन की क्षमताओं को चेक करने के लिए, उसके हार्डवेयर को चेक करने के लिए कि उसमें कितना जूस है या कितना दम है। अगला टेस्ट निनामार्क 2, जो कि इसके 3D ग्राफिक्स प्रोसेसर को बहुत अच्छे से चेक करेगा। फिफ्टी फोर पॉइंट टू फ्रेम्स पर सेकेंड का स्कोर निनामार्क 2 में आया है और ये भी एक काफ़ी अच्छा है। मैंने महंगी से महंगी डिवाइसेज में भी ये 60-65 के आसपास देखा है, तो मैं इस फ़ोन के पूरे सपोर्ट में इसको वोट करूँगा कि ये फ़ोन एक बेहतरीन बजट फ़ोन के साथ ही बढ़िया परफॉर्मर भी साबित होगा भारत के इस बढ़ते विशाल एंड्रॉयड मार्केट में। ये जो आप अगला स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इसको कहते हैं मल्टी टच टेस्टर। ये बता सकता है कि एक बार में कितनी उंगलियों का कमांड आपका फ़ोन लेने में सक्षम है। तो जैसे कि अभी 0 लिखा हुआ है और 10 उंगलियां टच कराई, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्कोर इसका 2 आया है। इसका मतलब कि 2 पॉइंट मल्टी टच इसका स्क्रीन सपोर्ट करता है। सबवे सर्फर जैसा थोड़ा हैवी गेम जो कि छोटे मोटे फ़ोन को अच्छे से रुला देता है, और आप देख सकते हैं कि बड़ी स्मूथली ये गेम इसमें चल रहा है। मुझे इसके टच की फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है, इसके टच की फीलिंग सच में वाकई में बहुत ही स्मूथ लग रही है मुझे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेलता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं गेम अभी एक भी बार इसमें कोई अटकना या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं नज़र आई है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना फास्ट ग्राफिक्स इस गेम का आपको दिख रहा है। गेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आ रही मुझे खेलने में, और जितना फास्ट ये गेम किसी महंगे फ़ोन में चला होगा उतना ही फास्ट इसमें भी चल रहा है। फुल HD का ये वीडियो जो कि अच्छे अच्छे फ़ोनों का बैंड बजा दें, और आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा दी है। वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। लव डोज हनी सिंह का ये गाना काफ़ी पॉपुलर है, और आप देख सकते हैं कितना क्लियर इस माइक्रोमैक्स कैनवस पार्क में ये फुल HD का वीडियो इसमें चल रहा है, जो कि 1080p रेजोल्यूशन का है। और किसी भी तरह से इसको फॉरवर्ड या रिवाइंड करते समय बिल्कुल भी ये वीडियो अटक नहीं रहा है। ये एक अच्छा संकेत है कि इसके ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस इस फ़ोन की काफ़ी बेहतर है। ये भी आप हाई क्वालिटी वीडियो देख रहे हैं। इस फ़ोन पे मैंने बेंचमार्क भी रन किया, इस फ़ोन पे मैंने गेम भी खेला, और इसको काफ़ी देर मैंने फ़ोन बिल्कुल भी गर्म नहीं महसूस हो रहा मुझे, पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत ही बेटर क्वालिटी का इसमें फिनिशिंग दिया गया है, और हालांकि पीछे के तीनों बटन के पीछे कोई भी लाइट नहीं जलती है, लेकिन आज की डेट में आदमी की उंगली वैसे भी आराम से आदत हो गई लोगों को, बैक बटन यहाँ होगा, सेंटर बटन यहाँ होगा, और ऑप्शंस बटन या मेन्यू बटन यहाँ पे होगा। ये तो बहुत बेसिक सा अंदाज़ा आज की डेट में सभी को हो चुका है। और स्क्रीन की ब्राइटनेस, स्क्रीन की खूबसूरती, ये 5,000 रुपये में मेरा नहीं ख्याल है कि आज की डेट में कोई और कंपनी इस फ़ोन को आसानी से पछाड़ पाएगी। कैमरे क्वालिटी के लिए मैं अभी इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कैमरा मैं अभी मैंने टेस्ट नहीं किया खुद भी। कैमरा मैं कोशिश करूँगा कि दिन की रोशनी में बेहतरीन तरीके से आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी मेरी कोशिश हिंदी में इस फ़ोन से आपको रूबरू कराने की, जो कि माइक्रोमैक्स का नवीनतम फ़ोन है जिसका नाम है माइक्रोमैक्स कैनवस स्पार्क। ये बहुत ही बेहतरीन Q380 मॉडल नंबर का सेट, जो कि मात्र 5,000 रुपये में कंपनी ने स्नैपडील के साथ
कोलैबोरेशन करके फ्लैश सेल्स के थ्रू इसको आपको प्रदान करेगी। ये फ़ोन रेडी टू बाय नहीं है, रिलीज़ के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसके बाद सेल के दिन आपको चंद सेकंड्स का मौका मिलेगा जिसमें आपको बाय नाउ का बटन क्लिक करके इस फ़ोन को ख़रीदना है। और दोस्तों, आप कृपया इस मेरे वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, शेयर करें और हो सके तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि माइक्रोमैक्स के इस कैनवस स्पार्क फ़ोन को रूट कैसे करें ये मैं आपको दिखा सकूं। एक ज़माना था जब लोग अपना फ़ोन रूट करने में ऐसे डरते थे जैसे पता नहीं कोई क्राइम करने को कह दिया है। हालांकि अब और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, आप फ़ोन को रूट करेंगे तो आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप उसमें ना चाहती हुई बहुत सारी एप्लीकेशन हटा सकते हैं, आप अनचाहे एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यदि आपको एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में जानकारी है तो आप काफ़ी कुछ जो कि कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है उस सब में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन के अंदर ही मैं इसका रूटिंग का जो फुल वीडियो है वो आपको दिखा सकूँ। रूट होने के बाद इस फ़ोन में आप स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों का इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। तो इस वीडियो का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं GHPK फ़िलहाल आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।